मुकर्रम को भेज दो ताकि साथ ही साथ हो जाए, और वो कसीदे बुर्दे शरीफ की किताब भी भेज दो। एक मिनट, चोद दो, फेंक दो सब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक मिनट, ये बताओ ये कसीदे की दूसरी फसल चल रही है ना? हाँ, एक मिनट रुक जाए। नहीं ये तीसरी फसल है, बता रहा हूँ। हाँ हाँ तीसरी फसल है। चलो ठीक है, सही है। तीसरी कब कब से शुरू हुई? 30वें से शेयर नंबर कौन से शुरू होगी? 30वें वो वहीं हो जाएगी, हम जब वहाँ सैरी कर रहे होंगे। हाँ चलो जी। 31वें शेयर पढ़ना है, अरे माँ चुदा पढ़ना है 31वें शेयर। कंफर्म कर लो ना, फिर हाँ बाद में 31वां आप पढ़ना, रिकॉर्ड कर लें, 31वां पढ़ना है, 31वां पढ़ना है। उससे तो बचूंगा, उनसे बहन चो, रिकॉर्ड इस वक्त तू ऋषि कपूर की कव्वाली में एक आदमी नहीं आया था वो लग रहा है तू। है पता नहीं टोपी भोसड़ी की तेरी ऐसी क्यों लग रही है मुझे। दूसरी ले लूं नहीं टोपी ये सही है, सही। टोपी चलो चलो वो है ना, है अगर दुश्मन दुश्मन, उसमें ये टोपी पहनी उसने, वो क्या नाम है वो मर गया यार, वो नहीं है वो जो मर गया यार, बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार वो। जब तक तो उसका नाम नहीं आएगा बात अब नहीं होगी, टेंशन। वो नहीं, कपूर नहीं था यार वो। हैं अबे नहीं था वो, एक वो जो यूं टेढ़ी टोपी लगा के जो करता था, टेढ़ी कर लेता था टोपी। बहुत ले रहे हैं यार, वो 100 के ले रहे यार वो था, वो बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार, बहुत बड़ा अदाकार था। हैं यार वो, उसने लड़कियां भी बहुत चोद सीनों में भी आता था वो रेप के सीन भी बहुत किया। नहीं, रेप के सीन ऐसा लगता था मक्खन खाया हुआ है वो हर वक्त। वो बड़ा यार, बहुत बड़ा अदाकार था भारत में। अभी तुम्हें भी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी आ जाएगा सैन। चलो चलो चलो। सहर आमिर के साथ एक मरतबा फिर खुशामदेद और नाज़रीन, कसीदे बुर्दा शरीफ, फजीलत, तशरी और इलाज, तीसरी। कैसा दिया आपको? है नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम ये जी मेरा सवाल ये है कि वैसे कहते हैं कि इस्लाम में खुदकशी हराम है, जी। लेकिन एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकशी करती है तो वो क्या हलाल होगी या हराम होगी? जी मतलब उससे कोई जरिया नजर नहीं आ रहा कि वो कैसे अपने आप को बचाए। ठीक है जी, मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी यानी कभी लाई मत बिठाने बहुत नाजुक सूरत हाल है ये इज्जत वाला मसला तो बहुत नाजुक सूरत हाल है सर, नाजुक सूरत हाल ही तो होती है नहीं है सही तो बोला सर सवाल के बाद ले लो, मुझे मत रखो, मेरे पास कैमरा मत रखो यार जल्दी बताओ, बोलो ना पी नहीं है, तुम पर जाएगा दादा। जितनी देर में तू पूछ के बताएगा उतनी देर में टाइम चले ही जाएगा। है टाइम हम तो ठहरे परदेसी, गालिब फिल्म देखी है आपने? नजफ का दीना हूँ शाह नजफ का दीवाना हूँ, शाह नजफ का दीवाना हूँ, झोली भर दो मौला अली। हाँ हाँ सड़ देवबंदी या अली अली या अली। क्या अच्छा चले भाई, अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब आ गया 35 सेकेंड। हाँ इसी तरह आके खत्म करता है, वहाब है अब्दुल वहाब। इसका पूरा ग्रुप वहां बैठा होता है, इब्ने तैमिया, वहाब, सारे लोग मिले।
बिन बास भी तो है ना हमारे पास। मैंने आपके ही लफ्जों से सुना, प्लस ए आर वाई चैनल पर बाकायदा इसकी स्लाइड चली है कि इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं टूटता। तो ए आर वाई मोतबर है भाई, ए आर वाई है, प्लस हमारे और भी जानने वाले हैं मौलवी। कौन है जानने वाले आपके? पाकिस्तान से हम लोगों से बहुत अच्छा ताल्लुक रहता है, वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली है कि जी इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं टूटता, जबकि मुंह भर के अगर कुल्ली आ जाए तो उससे रोजा आपका टूट जाता है। मुंह भर के कुल्ली आ जाता है, उल्टी आ जाए, मतलब उल्टी हो जाए तो ना, तो मुंह भर के उल्टी आने से रोजा टूटता है, और बास फुकहा के नजदीक इंजेक्शन लेने से भी रोजा नहीं टूटता है, लेकिन बास फुकहा के नजदीक इंजेक्शन लेने से रोजा टूट जाता है। इसमें इख्तलाफ है। कोई फैसला सुनाने से पहले, कोई बात करने से पहले चारों आइम्मा अरबा जो है, यानी आइम्मा अरबा जो हैं, उनको पढ़ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उनके इख्तलाफ को भी सामने रखना बहुत ज़रूरी है। कौन मना कर रहा है आपको नहीं आने के लिए यार? हैं, किस भैंड चोद ने मना किया यार? जाओ। जी, कौन सी कमीज खींच रहे? इसके बाद कितना टाइम होगा हमारे पास? सही है यार, इसको चेंज तो करो यार। उठाएं जहानत का बल्ला, लगा दें SMS पे छक्का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر عامر جھوٹ بلوا رہے ہیں. معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت کے والد اور متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ڈیپٹی کنوینر شیخ لیاقت حسین کو کراچی میں عبداللہ شاہ رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے کی دوست نہیں ہوتے ہیں. रात की तारीखी में साथ देने वाले ही दोस्त नहीं होते. उठाते ही कि नदी का जनाजा धावर गए बेटियां के दीवाने. खिलाफत और अमारत को तो हम फुकरों में रखते हैं. वो जो रिहान आजमी साहब ने लफ्जियात का जिक्र किया था, तारीख की लफ्जियात जो बनी उमैया ने लिखवाई है, मैंने इकबरा का जना बनी उमैया क्या, चलिए हल्का बोला था, अल्फाज वापस देता हूं जो माविया ने लिखवाई है. आप कुछ बता नहीं रहे हो यार मुझे. हमूद देखो ऐसा नहीं होता. अदनान साहब कहां है? अदनान साहब देखे कोई, आप क्या कर बैठे हुए हैं सर? आप ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे ना, ये बता रहे हैं कि ईमेल लेनी है, ना ये बता रहे हैं कि ब्रेक है. ये तो कब बोला यार तुमने? झूठ बोलते हो तुम, झूठ मत बोलो हमूद. कहां बोला था यार? मुझे तो नहीं पता ब्रेक का बोला था यार. झूठ बोलता है ये तो, खुद ही बोला होगा तुमने, वो दबा के बात ही नहीं की होगी, खुद ही बोलते रहते हो तुम.